जो खुदा के लिए अपना सब कुछ दे देता है, बेटा दिया, औलाद दी, खानदान दिया, अल्लाह उसके कदमों की भी इज्जत करवाता है, और जो अल्लाह के आगे अकड़ करके दिखाता है, अल्लाह उसके सर को, मगरूरी को अल्लाह खाक में दुनिया के अंदर मिला देता है। मेरे चांद मेरे प्यारों खुदा के वास्ते, मेरे चांद मेरे प्यारों खुदा के वास्ते, अमल करना मुश्किल नहीं, अमल को कब्र में साथ ले जाना बड़ा मुश्किल है, नेकी करना मुश्किल कोई नहीं, नेकी को कब्र के अंदर ले जाना मुश्किल है। आज अब नेकी करने में बड़े बड़े पहाड़ लगते हैं, लेकिन माजरत के साथ सिर्फ कफन कब्र के अंदर लेके जा रहे हैं। हाथ की जुबान की, आंख की, कदमों की, जिस्म की, दिल की नेकी याद कर लो, कल कयामत के दिल तेरे मेरे काम आएगी। अगर ये मौलाना किसी नमाजी से बात कर लेंगे, खुदा की कसम झगड़ा बन जाएगा। एक मिनट पहले नमाज खड़ी कर दी या एक मिनट बाद नमाज खड़ी कर दी, खुदा पाक की कसम सारा तकवे का तकवा धरा रह जाता है। अपनी मर्जी की जगह पे खड़े होंगे, अपनी मर्जी का पंखा चलाएंगे, अपनी मर्जी की लाइट जलाएंगे, अव्वल तो खुदा के घर में आने को तैयार कोई नहीं। जुमे के दिन खुदा के घर में आएंगे, सबसे पहले मेरे अजीजों नमाजियों की चप्पलों को रोनते हुए आएंगे। ईमानदारी से बताओ, अगर तूने 4000 का जूता पहना, उसने 100 रुपए का चप्पल दरवाजे पे रख दिया, जूता तो दोनों का एक जैसा है, अल्लाह अकबर, कीमत कीमत के अंदर फर्क है। अगर तेरे 4000 के जूते पे को पाँव रख दे, तेरे से बर्दाश्त कोई नहीं। गरीब के जूते पे कोई पाँव रख दे, गरीब के वारिस से बर्दाश्त कोई नहीं। दुनिया के अंदर जैसी मर्जी जिंदगी गुजार ले, बर्दाश्त करूंगा, लेकिन खबरदार खबरदार, मेरी मखलूक में किसी पे उंगली ना उठाइयो, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। फरमाया, अगर उंगली उठाई उससे माफी ना मांगी तो मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मैं तेरे मरने से, कब्र में आने से पहले तेरी उंगली को तोड़ के रख दूंगा। अगर तू अपने बच्चों के बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी बीवी के बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी बहन बच्चों के बारे में, भाइयों के बारे में बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अल खल्कु अयालुल्लाह, ये सारी मखलूक मेरा कुनबा है, तो मैं भी इनके बारे में कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अजाब दूँ मेरी मर्जी, सजा दूँ मेरी मर्जी, मैं जजा दूँ इन्हें मेरी मर्जी, लेकिन खबरदार खबरदार, मेरे और मेरी मखलूक के दरमियान कभी मदाखलत ना करना। इलाही, तुझे तेरी मखलूक कितनी प्यारी है। फरमाया, अल्लाहु गनी, पता बताओ मेरी मखलूक मुझे कितनी प्यारी है। मूसा अलैहि सलाम के ज़माने में हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने रस कर दी, इलाहुल आलमीन, इस पूरी कायनात में तेरी नगरी के अंदर, या अल्लाह, नील ने आसमान की छतरी के नीचे जो सबसे बड़ा गुनाहगार है, परवरदिगार आलम, मुझे उसके बारे में बतला भी दे और दिखा भी दे। मूसा अलैहिस्सलाम देख के क्या करोगे, कहने लगे, इलाहुल आलमीन, देखूं तो उसका सही, उसका रंग कैसा, उसका चाल चलन कैसा। फरमाया, मूसा कल सुबह फलानी बस्ती में चला जाइयो, फलाने महल्ले की फलानी गली में दाखिल होके फलाना दरवाजा बजा देना। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, दरवाजे की कुंडी बजाई, एक आदमी बाहर निकला। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान से शुद रह गए, कहा, इलाही, ये जिसे दुनिया सलाम करती है, तेरी नजरों में अच्छा ही कोई नहीं। फरमाया, मूसा, मैंने कहा था ना बोलना ना कोई नहीं, खामोशी से वापस आ जाना। अपने जाए मकाम पर आए, परेशान है, कैलाउल आलमीन, परेशान हो गया। फरमाया, मूसा, तेरी परेशानी कैसे ठीक होगी। कहा, अल्लाह, कल सब, आज सबसे ज्यादा गुनाहगार दिखाया, कल सबसे ज्यादा नेकोकार दिखा दे। मुलाकात हो रही है रात को अल्लाह। फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम, कल सुबह उसी बस्ती में, उसी गांव में, उसी मोहल्ले, उसी गली, उसी दरवाजे पे चले जाना, तुझे कायनात के अंदर नेकोकार नजर आ जाएगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए और जाके दरवाजा बजाया, वही आदमी निकला जो कल गुनाहगारी का तोक गले में डाल के आया था, आज नेकियों का ताज पहन के सामने खड़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा, फरमाया, मूसा, खबरदार, यहाँ तुझे बोलने की इजाजत कोई नहीं।
अपने जाए मकाम पर वापिस आ गए। अर्ज करने लगे बारी ताला, कल यही आदमी गुनागार था, आज नेकोकार बन गया। क्या इसने पहाड़ों जितना सोना सदका कर दिया? इलाही क्या इसने दरिया के कतरों जितने पैसे खर्च कर दिए? परवरदिगार आलम मन दो मन चांदी तेरे रास्ते में दे दी। इलाहुल आलमीन क्या सच्ची तौबा कर ली? पर मैं मूसा ऐसी कोई बात नहीं, इलाही कल तक तो गुनागार था, सारी कायनात के अंदर सबसे बड़ा बदकिरदार ये था, आज नेकोकार कैसे बन गया? पर मैं मूसा जब ये रात को अपने घर वापिस आया, इसकी बीवी इसके आगे खाना रखने लगी और खाना रखते रखते इसके पास बैठ गई। मूसा अलैहिस्सलाम जब ये रोटी खाने लगा, इसने अपनी रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा, सालन में डबो गया, शोरमे में डबो दिया, अपने मुंह में डालने लगा। अचानक इसकी नजर इसकी बीवी के ऊपर पड़ गई। अल्लाह अकबर, बीवी को देखता है कि दुपट्टा अपने चेहरे पर रखकर रो रही है। कहने लगी भली मानस, तुझे क्या हुआ? किसी ने तुझे कह दिया, किसी ने तुझे गाली दे दी, कोई तेरे दरवाजे पे आके तुझे छेड़ के चला गया, मुझे बता, मैं टोटे टोटे करके रख दूंगा, बता किसकी वजह से तुझे तकलीफ हुई? बीवी ने हाथ का इशारा करके कह दिया, उंगली का इशारा उठा करके कह दिया, उंगली उठा के कह दी, तेरी वजह से मुझे तकलीफ हुई। रोटी का टुकड़ा छोड़ के हाथ में रख कर कहने लगा, बता मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? बीवी ने यूं करके हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, अल्लाह अकबर, जिस रब को तू मानता है तुझे उसी रब का वास्ता, गुनाह करते करते तू नहीं थका, लोगों की बातें सुनते सुनते मैं थक गई। जब तू घर से निकल के जाता है, मोहल्ले वाली औरतें आके तेरे बारे में बात करती हैं, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता तेरी मेहरबानी, अगर तुझे से मैं तुझे मेरे से प्यार है तो गुनाह छोड़ दे। ऐ मूसा, रोटी का टुकड़ा उसके हाथ के अंदर था। अल्लाह अकबर, बीवी की इस बात से इतना शर्मिंदा हो गया, उसने अपना चेहरा पीछे दीवार की तरफ कर लिया और दीवार की तरफ देख कहीं करके यूं आसमान की तरफ देखा। मेरे मूसा, उसने जुबान से नहीं कहा माफ कर दे, बल्कि दिल से रोके का अल्लाह मुझे माफ कर दे। पर मैं मूसा, उसकी आंख से आंसू निकला, मुझे इतना पसंद आया, मैंने सारे गुनाहों को माफ कर दिया। माल के खुट जाने पर रोने वालों, औलाद के ना होने पर रोने वालों, बेटी घर बैठी है शादी ना हुई रोने वालों, कभी अल्लाह के लिए रात को रो के दिखा दिया करो, तन्हाई में अपने अल्लाह से मुलाकात कर लिया करो। रात 12 बजे या 1 बजे, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जो बंदा रात को वजू करके बिस्तर पर आकर सोता है, फरमाया रात को सोते सोते करवट बदलते बदलते 2 घंटे बाद, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, 4 घंटे बाद अगर उसकी आँख खुल गई, अभी आंखें मर रहा था, अभी 3 बजे 4 बजे फजर की नमाज का वक्त नहीं था, करवट बदलते बदलते आंख खुल गई। फरमाया उस वक्त जो भी अल्लाह से दुआ करेगा, परवरदिगार आलम उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। मुझे ईमानदारी से बताओ, जो करवट बदलते दुआओं को कबूल करता है, वो तेरे मेरे सजदे कबूल क्यों नहीं करेगा? बार बार आवाज दे के कहते हैं, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। ये कैसा मेरे से प्यार है, मेरे से पैसे मांगने आते हो, मेरे से माल मांगने आते हो, मेरे से दुकान मकान मांगने आते हो, कोई ऐसा नहीं आता जो मेरे से मुझे ही मांग ले। किसी को औरत से प्यार है, औरत को मांग लिया, किसी को बेटे से प्यार है, बेटे को मांग लिया। और मेरे बंदा, 70 साल की नमाजों के सजदे में सलाम फेरने के बाद कभी मुझे भी तूने मांग के देखा, मेरे प्यार को मांगा? उस प्यार के पीछे तूने अपने आप को बर्बाद कर लिया, उस प्यार के पीछे तूने अपनी जिस्म को बर्बाद कर लिया, जो प्यार तेरे मरते ही साथ छोड़ के चला जाएगा, उस प्यार को भी तो मांग के दे, जो प्यार जन्नत के अंदर तेरे साथ जाएगा। भाग रहे दुनिया के पीछे, लगे पड़े नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं, अगर फुर्सत है तो वुजू सही करने की फुर्सत नहीं। उलमा इकराम नाराज ना होना, मैं आपकी दुआ लेके बात कहूं तो नाराज ना होना, ठीक है नवाफिल के अंदर गुंजाइश रख दी गई, इसका यह मतलब नहीं कि सारी जिंदगी के नफलों को छोड़ के बैठ जाओ।
मुसाफिर हो, सफर में हो, स्टेशन पर हो, अस्पताल के बाहर खड़े हो, ऐसी जगह हो कि जहां पूरी नमाज नहीं पढ़ सकते, चलो वहां तो सुन्नत और वितर पढ़ने की गुंजाइश है, मेरे अजीजों फर्ज पढ़ने की गुंजाइश है, सुन्नत छोड़ नफिल छोड़ने की गुंजाइश है, अगर ना मेरे अजीजों सामने घर मौजूद है और जाके 20-20 देखना है और जाके खबरें सुननी है और जाके घर के अंदर बैठ के दाएं बाएं की बातें करनी है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, ऐसे आदमी को नफिल माफ कोई नहीं। ये तो आपका जिगर है कि आपने कह दिया, ये तो मेरा बड़ा गुर्दी गुर्दा है कि मैंने कह दिया, सुन्नती तो है, असर की सुन्नती तो है, पढ़ लो सवाब है, ना पढ़ो तो गुनाह कोई नहीं, ये तो आपने हंस के दिखा दिया। ठीक है जी, मौली साहब ने कह दिया सुन्नती तो है, कर लो सवाब है, ना करो तो गुनाह कोई नहीं। रब्बे काबा की कसम, ये तो अब्दुल हन्नान है, काश आज सिद्दीक अकबर खड़ा होता कोई उस वक्त कहता करो सवाब है, ना करो तो गुनाह कोई नहीं। रब्बे काबा की कसम, सिद्दीक तेरा मेरा मुंह तोड़ के रख देता। का इसकी मोहब्बत में हमने तन के कपड़े उतार दिए, इसकी मोहब्बत में मेरे बेटे को ललकार दिया था, जब मेरे बेटे ने मुझे कहा था अब्बा बदर के मैदान में तो मेरी तलवार की जद में आ गया, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया, सिद्दीक ने रोटी दे के मारी, उठ के खड़े हो गए, कहा बेटे तू मेरी तलवार की जद में आता, मैं बेटा ना देखता मोहम्मद का दुश्मन समझ के तेरे टुकड़े कर देता। कौन सी हवाओं के अंदर अपना ईमान लेके बैठे हो जो 10 रुपए पे बिक जाए। आज अमेरिका का, आज कनाडा का वीजा मिले, मेरे अजीजों अगर खाने के अंदर बहुत सारे लोग जकात ना देने के चक्कर में खाने के अंदर क्या लिखवा देते हैं। पाकिस्तान के अंदर बैठ के कलमा पढ़ने वाले ने कह दिया हमारे से तो काफिर अच्छे, पता नहीं तुझे असर हो या असर ना हो, लेकिन जहरा के बाबे को जरूर तकलीफ होती है। बारह रबीउल अव्वल का दिन आया, रबीउल अव्वल का महीना आया, कितने केक कटे, कितनों ने हैप्पी बर्थडे टू यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नामे नामी इसमें गिरामी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर। छुरी चलाने वाला, केक काटने वाला कोई आम आदमी नहीं था, पीरे तरीकत रहबरे शरीयत था। उस केक काटने वाले से कह दो तू क्या समझता है, हौज़े कौसर पे जाके जामे कौसर पिएगा, खुदाए पाक की कसम उस वक्त तेरा क्या बनेगा जब सिद्दीक अली तेरा गिरेबान पकड़ के खड़ा होगा। सुलह हुदैबिया का मौका है, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों करारदाद लिखी जा रही है, शराइत लिखी जा रही है। आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया अली कागज कलम ले ले और लिख दे अल्लाह का नाम लेके कि ये करारदाद ये शराइत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से है। पूरा मक्का बिलबला उठा जब सिद्दीक अकबर ने मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख दिया। मक्के के सरदार आपे से बाहर हो गए, मक्के के सरदारों की आंखों में खून उतर आया। आपने फरमाया क्या है, काली से को ये मिटाए या काट दे, अगर तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह मान लिया तो हमारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। आपने फरमाया अली कजी या नबी, के अली अपने कलम से, इस अपने हाथ की उंगली से इस नाम को काट दे। हज़रत अली की चीख निकल गई, कागज पे कलम छोड़ के पीछे हट गए। या रसूलुल्लाह हुक्म तेरा, सर आंखों पर, गर्दन तो कटा सकता है, तेरे नाम पे कलम नहीं चला सकता है। बाकैंड के मुसलमानों, टैक्सला रावल पिंडली रवास से आने वालों, मुझे बताओ तो सही हम कौन सी कैटेगरी के मुसलमान हैं। बोला 4-5 दिन पहले मैं एक जगह गुफ्तगू कर रहा था, मैंने कहा मुझे दाढ़ी कटाने वाले पर अरमाल कोई नहीं, मुझे उन हाथों पर रोना आ रहा है जो हाथ रोजाना 100-100 सुन्नत पर उस तरह चलाते हैं। एक आदमी चीख मार के मिंबर पर आ गया, स्टेज पर आके कह लगा मौली साहब दुआ करो आज के बाद गर्दन तो कट जाएगी लेकिन इन हाथों से दाढ़ी नहीं कटेगी।
है तो ये चार बाल, पावर इसके अंदर इतनी है, कब्र में ले जाके देख ले, खुदाए पाक की कसम है, ये चेहरे पर दाढ़ी नजर आ गई तो फरिश्ते सवाल करते शर्माएंगे। पूरी दुनिया का 5.5 अरब काफिर रसूलुल्लाह का दुश्मन है। मुसलमानों तुम मोहब्बत का, अल्लाह अकबर तुम गुलामी का लिबादा में आप ओढ़ के उनसे बड़ी दुश्मनी निभा रहे हैं। निकाह पढ़ा है मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों के, निकाह पढ़ा है सहाबियात के, निकाह पढ़ा है सहाबा के। आपने खुतबा मसनूना के बाद जो पहली आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, आपके बच्चों के निकाह हुए मौली साहब ने आयत पढ़ी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर निकाह के खुतबे में तकरीबन ये आयत पढ़ी। ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो, जैसा डरने का कह मत मरना मगर मुसलमान यानी फरमा बरदार होकर, भला कोई तुक बनता है शादी खुशी की तकरीब हो व मौत का पैगाम सुनाया जा रहा है। उस नौजवान को जिसने 8 नोटों का, उस नौजवान को जिसने कुल्ला और शेरवानी पहनी है, इस आयत में उसे पैगाम दिया जा रहा है, उन बरातियों को पैगाम दिया जा रहा है, तुम इसके गवाह बन के आए हो, तुम इसके जामिल बन के आए हो, खबरदार खबरदार जो लेके घर के अंदर जा रहा है उसके हुक्मों की पमाली, उसके हुकूक की पमाली ना होने देना, वरना कयामत के दिन इसका बेड़ा गर्क होगा तो होगा, लेकिन रगड़े के अंदर मैं और आप भी आ जाएंगे। शादी इसकी हुई शेरे हमने गाए, शादी इसकी हुई भंगड़े हमने डाले, शादी इसकी हुई भंगड़े लोगों ने डाले, ढोल बजाए खाने हमने खाए। और लोगों अगर ये बीवी के हक को अदा नहीं कर सकता तो हम भी बराबर के शरीक हैं। तबलीग वालों अल्लाह तुम्हें जजाए खैर दे, मेरा भी अल्लाह के मदद से गाए गाए वक्त लगता है, अल्लाह बरकत अता फरमाए, लेकिन अयां के मार खा जाते हैं। मेरे अजीजों मस्जिद के दरवाजे पे कोई रेड़ी वाला नहीं छोड़ते, कोई जुत्ती गाटने वाला नहीं छोड़ते, कोई मजदूर मिस्त्री नहीं छोड़ते, हर एक को इस्तकबाल करके इकरामे मुस्लिम करते हैं, लेकिन घर के अंदर आ रहे हैं बीवी से बात करने को तैयार नहीं। खैरुकुम खैरुकुम लियाहली वाला खैरुकुम लियाहली, ओ लोगो तुम में सबसे बेहतरीन वो जो अपने घर वालों के लिए अच्छा। रसूल ने फरमाया वाला खैरुकुम लियाहली, ओ लोगो मैं सारे नबियों का सरदार हूँ, लेकिन जिस दिन मेरा जनाजा उठेगा नौ अज़वाजे मुतहरात के हुजरों के दरवाजे बजाना, अल्लाह की किबरियाई की कसम है कोई औरत मेरा शिकवा करके नहीं दिखाएगी। कहाँ की सरदारी, कहाँ के राजे, कहाँ की गैरत है, दुकान के ऊपर बैठकर अपने बीवी के गिले कर रहा है। कहाँ की चौधरानी, कहाँ की सरदारन है कि बीवी घर से शोर चला गया, पड़ोसन से बल्कि घर के अंदर काम करने वाली से अपने शोहर के गिले कर रही है। इरशाद फरमाया, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, फरमाया जो औरत नमाज पढ़े, नमाज पढ़कर हाथ उठाकर दुआ करे, उस दुआ में अपने शोर का नाम लेके दुआ नहीं करती, फरमाया मेरा पैगाम उस औरत को दे दो कि तेरी नमाज का सजदा ही कबूल नहीं होता है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरा मेरे शौहर का मेरे पे क्या हक है। अल्लाह अकबर, यूं नहीं फरमाया इसके कपड़े दो, यूं नहीं फरमाया इसके लिए रोटी पका, यूं नहीं फरमाया इसके लिए सारी रात खड़ी हो जा, जब तुझे बिठाए बैठ लिटाए लेट जा, पर्ची खाने में भेजे चली जा। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा ऊँचा मकाम बीवी को शौहर के जरिए, शौहर को बीवी के जरिए मिला। फरमाया अगर तेरे इस नाक के सुराख में फिलसी निकल के फोड़ा बन जाए, वो फोड़ा बन के इस नाक से बहने लग जाए, वो पीप बहते बहते चेहरे पर आ जाए, तेरी बीवी जुबान निकाल कर उस पीप को चाट ले, तब भी उसका हक अदा नहीं कर सकती है।
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये हक सिर्फ मैंने पूरे करने के, मेरी बीवी ने भी, अल्लाह अकबर, मेरी बीवी ने पूरे करने के मैंने भी। फरमाया खबरदार तेरे पर तो दोहरी जिम्मेदारी है, कयामत का दिन होगा, नमाज का सवाल तेरे से, रोजे का सवाल तेरे से, जकात हज का सवाल तेरे से, लेकिन जब तेरे अखलाक का सवाल किया जाएगा, फरमाया पर्चा तेरा होगा, हल तेरी बीवी करेगी। खबरदार अखलाक का जब पर्चा आएगा कि घर में तेरा क्या सुलूक था, फरमाया तेरे से नहीं पूछा जाएगा, तेरी बीवी को लाके खड़ा कर दिया जाएगा। परवरदिगार आलम हलाल फरमाएगा बता बता, बार तो इसे सलाम किया करते थे, बार तो ये मोहल्ले की सफाई किया करता था, गली की नालियां साफ किया करता था, लोगों के घर सलाई मशीन पहुंचाया करता था, जकात के अंदर आटे के थैले तकसीम किया करता था, दरवाजे पे लोग इसे कितनी दुआएं दे के जा करते थे, इसके नाम के साथ अलहाज राजा साहब लगा था, चौधरी अमान भट्ट साहब कश्मीर लगा हुआ था, बता घर के अंदर क्या सलूक था। और मेरे चांद अगर बीवी ने सर झुका दिया और उसकी आंख में आंसू का पानी आ गया तो तेरे मेरे सजदे धरे के धरे रह जाएंगे। ऐ मेरी बंदी, जब दुनिया के अंदर भेजा तो एक काले रंग का तिल भी तेरे वजूद पर नहीं था, बता ये तेरी गर्दन पर निशान कैसे पड़ा। अगर बीवी ने शोर की तरफ देखा, शोर को अल्लाह ने कहा खबरदार आज नहीं बोलना, अल्लाह अकबर, मेरी बंदी बोल तो क्या बोलती है, कहेगी इलाही जून जुलाई का महीना था, गर्मी का मौसम था, ये सब्जी गोश्त लेके आया और इसने कहा दो घंटे के अंदर खाना तैयार चाहिए, मैंने खाना तैयार कर दिया, अल्लाह अकबर, सारे लवाजमात इसके की वजह से तैयार कर दिए। जब ये खाना खाने के लिए आया, थोड़ा सा नमक तेज हो गया, इसने प्लेट उठा के मेरे मुंह पर मारी, जिसकी वजह से मेरी गर्दन पे छाला पड़ गया। अल्लाह फरमाएंगे बस कर बस कर, जिसका वकील कोई ना बना उसकी वकालत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह करेगा। इधर आ, सालन नमक ज्यादा, नमक में सालन में नमक ज्यादा हो गया, तूने यहाँ छाला डाल दिया, कितने इस कदमों से चल के जिनाओं के अड्डे पे गया, मैंने कभी तेरे पैरों में छाले डाले। जिस जगह तू मुंह काला कर रहा होता है, इंसान जिल के अलावा वहां के जानवरों को भी पता चलता है कि तू आज मुंह काला कर रहा है, बता मैंने दुनिया में कभी जाहिर किया। तेरे पहाड़ों जितने गुनाहों पे मैंने पर्दे डाल दिए, इसके नमक ज्यादा होने पे तूने बदले लिए, आज मैं बदला लूंगा, फिर देख तेरा क्या बनेगा। हुकूमतों पर तबसरे करने वालों, हुकूमतों पर मुल्क के हालात में तबसरे करने वालों, जाओ अपने घरों का हाल देखो, घर के अंदर सारी अपोजिशन तैयार खड़ी है। तुम्हारी असेंबली का स्पीकर ही बगावत करके बैठा हुआ है और वो कह रहा है जब से तेरे घर में आई मुझे कभी सुकून का सांस नहीं मिला है। इस असेंबली के MNA कह रहे हैं हमारे जैसा बाप अल्लाह किसी को ना दे, अल्लाहु अकबर। इस असेंबली की MPA कह रही हैं, बेटियां कह रही हैं पता नहीं अल्लाह ने हमें कैसा बाप दिया, कभी इसने हमें सुख का सांस ही लेने नहीं दिया। रोजाना नई कहानी नई कहानी, आपके मेरे घर में है, मुझे ईमानदारी से बताओ बीवी से हंसते, बीवी के साथ हंसते कितना अरसा गुजर गया, याद है कब हंसे थे बीवी के सामने बैठ के, उसने तुम्हें हंसाया हो, तुमने उसे हंसाया हो, और दोनों को देख के अल्लाह हंस पड़ा हो, याद है कभी। मालिक कायनात कभी आपको हंसी आई, फरमाया मेरा हबीबा जा अपने मेरे बंदों में अपनी उम्मत में ऐलान कर दे तुम्हारा अल्लाह भी हंसता है।
राइवेंड के इज्तम पे हंसता है, नक्शबंदी कादरी इज्तम पे हंसता है, सोरवर की इज्तम पे हंसता है। फरमाया वो अपना अपना मकाम है, इलाहुल आलमीन तो कब हंसता है? फरमाया जब बंदा हज उमरे के लिए जाए, एहराम की दो चादरें पहन कर, घर बार छोड़ कर, अल्लाह अकबर असफल का दो बदर वाली चप्पल पहन कर, जब मुझे कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, फरमाया इस बंदे की हालत को देख के मैं अल्लाह को हंसी आ जाती है। इलाहुल आलमीन आप कभी और भी हंसते हैं? फरमाया हाँ। मेरा बाबू बिलाल कर दे, बिया बीवी सो रहे हो, तहज्जुद का वक्त हो, बीवी की आंख खुल जाए, वो शोर को उठाए, अगर शोर पहले उठ जाए तो बीवी को उठा के कह चल उठ तहज्जुद पढ़, अल्लाह को याद कर ले। फरमाया मंजर मुझे उतना सुहाना लगता है, मैं अर्श का मालिक इसे देख के हंसने लग जाता हूँ। चाय बना के दे दे, खाना तैयार कर दे, नाश्ता बना के दे दे, इस बात पर तो मैंने अपने घर वालों को उठाया। कभी नमाज के लिए मैंने अपने घर वालों को उठाया? मस्जिद के अंदर ऐलान होता है, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, एक बच्चा गुम हो गया, फलाना नाम है, फलाने रंग के कपड़े पहन रखे थे, फलाने रंग का जूता पहना हुआ था, कद इतना था, नाम बता सकता है? ये निशानी है ना। वाकेंड वालों में अपने इलाके से आया और यहाँ आकर मजमे में ऐलान करके जा रहा, हजरात एक ऐलान सुनो, इंसानियत गुम हो गई, निशानी उसकी ये थी, उसके अंदर किरदार था, निशानी उसके अंदर ये थी, उसमें अखलाक था, अल्लाह अकबर उस इंसानियत की निशानी ये थी कि उसके अंदर माँ बाप का प्यार था, भाई भाई का प्यार था, बहनों के साथ अच्छा बर्ताव था, अल्लाह अकबर गरीब का ख्याल रखा जाता था, उसके अंदर यह था कुरान की तिलावत थी, रातों को उठ के रोना था, अल्लाह के नाम पर लब्बैक कहना था। हजरत इंसानियत मेरे से गुम हो गई, मेरी जिंदगी से निकलकर पता नहीं कहां जाके गुम हो गई। अगर तुम्हें मिले तो तुम भी ले लेना, मुझे मिले तो मुझे बुला के दे देना। जेब से 10 रुपए का नोट निकाल के देखो, जेब से 1000 रुपए का, जेब से 500 का नोट निकाल के देखो, खुदा पाक की कसम तकड़ा आदमी फूंक मारे 5 फीट जा दूर जाके गिरेगा, लेकिन इसके अंदर इतनी ताकत है कि इसने भाई को भाई से जुदा करके रख दिया है। जब से इस नोट को कीमती समझा, बीवी बीवी नहीं रही, शोर शोर नहीं रहा, औलाद औलाद नहीं रही, बेटी बेटी नहीं रही, बेटा बेटा नहीं रहा, जब तक एक माशे का नोट खुदा पाक की कसम है 22 साल की बच्ची की झोली में ना आए, इसे कोई अपने लिए साथ जाने को तैयार नहीं। जामा मस्जिद अक्सा में आने वालों, जब तुम बाजार से गुजरा करो, अल्लाह अकबर हम तो दिन रात इसी सफर पर जाते हैं, मेरे अजीजों किसी रोड पर किसी शहर से जब गाड़ी गुजरती है, कहीं ना कहीं मेरे अजीजों गाड़ी के अंदर डाले मजदा के अंदर, कहीं से कहीं ट्रक के अंदर फर्नीचर जहेज जाता नजर आता है, दिल से आवाज निकलती है, पता नहीं गरीब की बेटी आज कितने लाख के अंदर फरोख्त हुई है। शादी की तारीख रख रहे हैं और कह रहे नहीं जी नहीं, हमें जहेज नहीं चाहिए, अल्लाह दादी तब कुछ है जी, हमें जहेज नहीं चाहिए, लेकिन हमारा बच्चा जरा सियासी आदमी है, 200 बराती लेके आएगा, उसे मुर्गी बड़ा गोश्त ना खिलाना, बस रोटी अच्छी खिला देना। खुदा पाक की कसम है, जब तेरे मुंह से जुमला निकला, गरीब का सांस ऊपर का ऊपर रह जाता है। जाओ मेरे कहने पे किसी गरीब के दरवाजे को बजा के देखो, जब से बेटी जवान हुई कभी सारी रात सो के देखा? तो किसी के कहने पर अपने हाथ की उठी उतार के नहीं देता, और तेरे कहने पर अपने 20 साल का जिगर का टुकड़ा काट के दे रहे हैं, अब भी कहते रोटी अच्छी खिला।
दरवाजे पे हजरत अली रजी अल्लाह तआला हजरत अकील रजी अल्लाह तआला नु सैयदा फातिमा की डोली रुखसती लेने के लिए खड़े हैं। हुजूर तशरीफ लेके आए, उम्मे सलमा से फरमाया, उम्मे सलमा कोई चादर ही ला के दे दे, बच्ची के सर पे उड़ा दू। यूं नहीं कहा भी मेरी तैयारी नहीं, अली दो महीने के बाद आना। सैयदा आटा गूंद रही थी, ए फातिमा अली अपनी अमानत लेने आया है, अबू जी रोटी पका दू। कब बेटी तू तो रोटी की बात कर रही है, तेरा बाप तो तुझे हाथ धोने की भी इजाजत नहीं देता है। सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह तआला ना, सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला ना चादर लेके आई। हुजूर ने देखा 16 पेवत कपड़े के 17 चमड़े का, वहीं खड़े हो गए। आबदीद आंखों से आंसू निकलने लगे, अल्लाह अकबर वो जन्नत के मोती निकलने लगे। फरमाया बेटी तेरे पास दो रास्ते हैं, अगर चाहे मैं आसमान की तरफ देखूँ जन्नत के रेशम के जोड़े जमीन पर उतर जाए, लेकिन मेरी बेटी तेरी इस रुखसती से मैंने अपने करीब उम्मती कलमा पढ़ने वाले को सबक देना है। बेटी दो ही तेरे पास ऑप्शन है, दो ही तेरे पास रास्ते हैं, या रेशम के जोड़े ले ले या जल्लती औरतों की सरदारी का ताज ले ले। बेटी भी तो रसूलल्लाह की थी, अपने बाप के गले से लग के रो के दिखाया, अब पेवद वाले कपड़े पहन के जाऊंगी ताकि दुनिया वालों को बता दो कि शादी के लिए कोई गोटे का जोड़ा जरूरी होना नहीं, लाल जोड़ा कोई जरूरी नहीं। अगर नबी की बेटी पेवद वाले कपड़े पहन सकती है तो गैरत रखने वालों तेरी मेरी बेटी सादे लिबास में क्यों नहीं जा सकती है। निकाह किया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, उन्हें 3 तोले चांदी हकमैर में दी दी। फरमाया ओ लोगों, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो पौने 3 तोले में गुजारा हो जाएगा, बेटियों को दिया करो। मैं मोहम्मद फातिमा के निकाह के वक्त 131 तोले चांदी हकमैर में दिलवा रहा हूं। कितनी बड़ी मेरे अजीजो ये बात है, 10-10, 20-20 लाख रुपए का शादी हाल के अंदर खाना दिया जाता है, बीवी को 5,000 का अकमैर नहीं दे सकते। अल्लाह अकबर, मालूम हुआ तुम्हें माशरे की रोशन ख्याली से प्यार है, आमना के लाल से प्यार कोई नहीं। बड़े बड़े सरदारों माल वालों, तुम्हारी मेरी वजह से पता नहीं कितनी बच्चियां अभी तक अपने घर में बैठी हुई, रीवे के पैसे, जहेज के पैसे, शादी के पैसे कहां से लाए। खैबर के मैदान में रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। अल्लाहू अकबर, मेरे अजीजो खैमा लगाया गया, गालिबा सफिया रजी अल्लाह तआला से खैमा लगा दिया गया। रात मेरे पैगंबर ने गुजारी, सुबह उठे सहाबा इकराम पास खड़े हैं, पर मैं समझ गया तुम चाहते हो वलीमा खिलाऊं। अल्लाहू अकबर, जी या रसूलल्लाह, शादी की खुशी का वलीमा नहीं खिलाओगे। 6 चीजें पूरी शादी के अंदर है, 2 फर्ज है, 1 वाजिब है, 3 सुन्नत है। फरमाया लड़के को कह दिया मौली साहब ने कि मेरे तेरा निकाह इससे इतने में कर दिया, तुझे कबूल है। लड़के ने कहा जी ये ऑफर एक्सपेक्ट इजाब कबूल, ये एक फर्ज है। मेरे अजीजो 2 शादी के गवाह, 2 फर्ज है, हकमैर तीसरा वाजिब है, 3 सुन्नत है, खुतबा पढ़ना सुन्नत है, चुहारे यूं करके उठाकर निकाह बरातियों की तरफ फेंकना यूं करके सुन्नत है, तीसरा आपने फरमाया वलीमा सुन्नत है, बाकी मेहंदी करो, उबटन करो, ढोलक बजाओ। फरमाया इससे मेरा कोई ताल्लुक कोई नहीं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलीमा नहीं खिलाएंगे, आपने फरमाया करो वलीमा। अल्लाह के नबी क्या करें, बकरे पकाए क्या करें। आपने फरमाया तुमने नाश्ता कर लिया क्या, नहीं। फरमाया अपने खैमों में नाश्ता ना करना, खैबर के मैदान में दस्तरखान लगाओ। खैबर के मैदान में दस्तरखान लगा, कोई खजूरें कोई सत्तू लेके आया, कोई घी कोई शहद लेके आया, सारे बैठ के खाने लगे, आप भी उनके दरमियान बैठ गए। फरमाया मुझे नहीं खिलाओगे, अल्लाह के नबी आइए आइए, अरे एक की ख्वाहिश थी मेरे पास बैठे मेरे पास बैठे, अरे एक की ख्वाहिश थी मेरी थाली में खाए मुझे खिलाए मेरे से खाए। पाक पैगंबर गरीब साहबा के साथ बैठ के खजूरें नौश फरमा रहे, पर मैं तुम्हारा नाश्ता हो गया, मैं मोहम्मद की शादी का वलीमा हो गया है। इस्लाम तो बड़ा सस्ता था लेकिन आपने मेरे महंगा कर दिया। इस्लाम की बहारें तो बड़ी सस्ती थी, ओए लोगों, जब बिलाल जैसे
جیسا غریب اسلام حاصل کر سکتا ہے تو بکٹ والو تیرے میرے امیر جیسا کیوں نہیں حاصل کر سکتا؟ منع نہیں فرمایا امیری سے، منع نہیں فرمایا مکان کوٹیوں سے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اچھا دیا تو اچھا پہنو، اچھا دیا تو کفران نعمت نہ کرو بلکہ اظہار نعمت کرو کہ اللہ نے اچھا دیا، اگر نہیں ہے تو اچھا حاصل کرو، نہیں ملتا تو ایک دوسرے کی قتل و غارت تو مت کرو، اچھا حاصل کرنے کے چکر میں اپنے ایمان کا سودا تو مت کرو۔ آج یہی وجہ ہو رہی ہے کہ اچھے کے چکر میں جو پاس تھا ہم نے وہ بھی کھو دیا ہے، سادی سی زندگی گزاریے۔ پوچھو علماء کرام سے بیٹھے ہیں، یہ وقت کے ولی بیٹھے، انہیں بتاؤ کون سی شریعت کے اندر، کون سی شریعت میں مسجد کو تالا لگانا جائز ہے؟ ہے ہی نہیں مسجد کو تالا لگانا، چوبیس گھنٹے میں آبادی دعوت دیتے ہو، چوبیس گھنٹے مسجد آباد اور تالے لگا رہے ہو؟ اس کی وجہ یہ مسجدیں خوبصورت بنا دی، مسجدوں کی دیواروں پر قلینوں پہ محنت کی، مسجد کے نمازیوں پہ محنت نہیں، غریبوں سے چندے مانگ رہے ہیں، امیروں سے چندے مانگ رہے ہیں، غریبوں کا کہ نکلو اللہ کے راستے میں، نہیں غریبوں سے چندہ مانگتے ہیں، میرے نبی نے مانگا اور امیروں کو کہا آؤ نکلو اللہ کے راستے میں، یہاں سارے کام الٹ ہو رہے ہیں تو نتیجے بھی پھر ایسے نکل رہے ہیں۔ مسجدیں کروڑ دو دو کروڑ روپے کی بنی لیکن چار آدمی مسجد میں فجر میں تو ہوتے ہی کوئی نہیں میرے سے، اللہ نے جن کو یہ سعادت عطا فرمائی اپنا گھر بنانے کی ان کو چاہیے کہ دو روزانہ دو رکعت شکرانے کے پڑھا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، بس آخری بات، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، دیواریں کھڑی کی، جب چار دیواری چھت سمیت مکمل ہو گئی ایک پتھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس بچ گیا، چار پہاڑوں سے جبرائیل پتھر لے کے آئے، پتھروں کا بھی انتخاب، جگہ کا انتخاب، پانی کا انتخاب، مستری کا انتخاب، مزدور کا انتخاب، ان کی خدمت کرنے والی روٹی پکانے والی کا انتخاب، اجرت دینے والے کا انتخاب، جب چاروں پہاڑوں کے پتھر لگ گئے ایک پتھر باقی بچا، الہی اسے کہاں لگاؤں؟ جبرائیل علیہ السلام واپس آئے، کہنے لگے خلیل اللہ انہیں اپنے ہاتھوں میں لے کر مسل کر بریدہ سا بنا دے، پھر اس مٹی پر پھونک مار کے ہوا میں اڑا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مٹی پہ پھونک مار کے ہوا میں اڑا دیا، آنن فانن آنکھوں سے مٹی ہو جل ہو گئی، کہا الہ العالمین کیا بنا؟ کہا جبرائیل بتا دے یہ مٹی کے ذرے میں نے پوری دنیا میں واں واں گرا دیے، جا قیامت سے پہلے میں نے اپنا گھر مسجد کو بنانا ہے۔ چار ہزار سال پہلے پھونک لگی، ذرہ یہاں کے گرا، کس کی طاقت تھی کہ جگہ دے، کس کی طاقت تھی کہ پیسہ دے، کل بھی فضل اللہ و برحمتی، کتنے بڑے بڑے بلانر پڑے لیکن ریڈیو والوں کو اللہ نے بلایا ہوا ہے، جاؤ جا کے کسی کا دروازہ بھی ان کے گھر کا بجاؤ، اسے پتہ ہی نہیں میرے بیک کے اندر کتنا پیسہ ہے۔ اور لوگوں تمہیں پاک پیغمبر ابراہیم چار ہزار نبیوں کا باپ سکھلا کے چلا گیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جب گھر بنایا یونی کا پنکھے پر نام لکھ دو، یونی کا مسجد کے دروازے پہ نام لکھ دو، فرمایا ربنا تقبل الہی حاجرہ تو بھی آ جا، اٹے والے ہاتھ نہ دو، اسماعیل گارے والے ہاتھ نہ دو، جس تسلیم گارا اٹھاتا تھا پاس نہ کے کھڑا ہو جا، تاکہ اس برتن پر بھی اللہ کو پیار آ جائے۔ اس سے مانگنے کے لیے تکبر نہیں، عاجزی کا ہونا ضروری ہے۔ مسجد میں آئے پکا تلاش کر رہے ہیں، کپڑوں کی بیوٹی چہرے کی تلاش کر رہے ہیں، جوتوں کو ستلا کرنا رکھنا ہے، میرے عزیز و حفاظت کے درجے میں صحیح ہے، ہاتھ مار کے دیکھ رہے ہیں مٹی ہے گندی، موبائل دیکھ رہے ہیں، کبھی گھڑی دکھا رہے ہیں، کبھی کپڑوں کی مائع دکھا رہے ہیں، اللہ فرشتوں میں دیکھ کے کہتا ہے اس بدبخت کو میرے سے مانگنے آیا کہ مجھے ڈرانے کے لیے آیا ہے؟ اس کی جھولی کی اکڑ تو دیکھو، اس کا مانگنے کا ایکشن سٹائل تو دیکھو، یہ کیا کر رہا ہے؟ پاک پیغمبر رو رو کے آنسو داڑھی پر آ گئے، ربنا تقبل منا، کروڑ روپے کی مالیت سے نہیں مانتا، دو آنسو سے مان جاتا ہے۔
माँ बाप के सामने बच्चा रोए, कहते बस कर कलेजा फटता है, खुदा के सामने रोने लगे, अल्लाह फरमाते बस कर, रहमत का दरिया जोश में आ गया है, बस कर बस। रब्बना तकब्बल, अल्लाह ये कबूल फरमा ले। जब कोई बिल्डिंग बनाता है अपना कार्ड देता है, बिल्डिंग बनाता है अपना नाम लिखवाता है, बिल्डिंग बनाता है अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए कार्ड बनाता है, विजिटिंग कार्ड देता है कि लो किसी को दे देना। इलाही मैंने कायनात के अंदर सबसे ऊंचा तेरा घर बनाया, कैसे पता लगेगा ठेकेदार कौन था, मिस्त्री कौन था, मजदूर कौन था? अल्लाह ने उसी वक्त उस पत्थर को हुक्म दे दिया जिस पे खुदा का पाक पैगंबर इब्राहिम खड़ा था। फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम तेरी मशहूरी में नए अंदाज से कराऊंगा, लोगों की मशहूरी नाम से होती है, मैं तेरी मशहूरी तेरे पैरों से करवाऊंगा। पत्थरों इसके निशानों के, इसके पैरों की तस्वीर उतार के अपने अपने आप अंदर अक्स कर लो। जब मेरा नबी यहाँ आएगा, मेरे नबी के साथ मेरे नबी का उमर सिद्दीक आएगा, इब्राहिम तेरे पैरों के निशान को देखेंगे, उमर के दिल में आएगा ये इब्राहिम के जाए कदम है, मैं नमाज अदा न करूँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों को देख कर उमर के दिल में ख्याल आएगा, मैं कुरान जमीन पर उतारूँगा और कहूँगा वत्तखिदू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला, ये मेरा मिस्त्री मेरा घर बनाने वाला, इसकी आजिज़ी मुझे इतनी पसंद आई, जब तक इसके कदमों वाली जगह पर दो रकात नफिल अदा नहीं करेगा मैं अल्लाह तेरे हज उमरे को कबूल ही नहीं करूँगा। जो खुदा के लिए अपना सब कुछ दे देता है, बेटा दिया, औलाद दी, खानदान दिया, अल्लाह उसके कदमों की भी इज्जत करवाता है, और जो अल्लाह के आगे अकड़ करके दिखाता है, अल्लाह उसके सर को मगरूरी को अल्लाह खाक में दुनिया के अंदर मिला देता है। मेरे चांद मेरे प्यारो खुदा के वास्ते, मेरे चांद मेरे प्यारो खुदा के वास्ते, अमल करना मुश्किल नहीं, अमल को कब्र में साथ ले जाना बड़ा मुश्किल है, नेकी करना मुश्किल कोई नहीं, नेकी को कब्र के अंदर ले जाना मुश्किल है। आज अब नेकी करने में बड़े बड़े पहाड़ लगते हैं, लेकिन माजरत के साथ सिर्फ कफन कब्र के अंदर लेके जा रहे हैं। हाथ की जुबान की, आंख की, कदमों की, जिस्म की, दिल की नेकी याद कर लो, कल कयामत के दिन तेरे मेरे काम आएगी।